केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने मुंबई के सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने की मांग की है, लेकिन अम्बेडकरवादी चाहते हैं कि दादर स्टेशन को डॉक्टर अम्बेडकर का नाम दिया जाए। आठवले ने कहा कि चूंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मुंबई में अपनी जिंदगी के काफी साल गुजारे, इसलिए वो मांग कर रहे हैं कि मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बाबा साहब के नाम पर रखा जाए। मंत्री ने बताया कि वो इस संबंध में केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी करने वाले हैं। बता दें कि पिछले कुछ वक्त से रेलवे स्टेशनों और जगहों के नाम बदलने की बहस काफी तेज हुई है। कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश के काफी पुराने जंक्शन मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलकर राज्य के योगी सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय रख दिया था। सरकार के इस फैसले की आलोचना भी हुई थी कि सरकार नाम की राजनीति कर रही है। इससे पूर्व रामविलास पासवान जब केंद्र में रेल मंत्री थे तो 1998 में उस वक्त उन्होंने दादर स्टेशन को डॉक्टर अंबेडकर टर्मिनल ये नाम दिया था, लेकिन उस वक्त महाराष्ट्र की मनोहर जोशी सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। आज भी अम्बेडकरवादी दादर स्टेशन को डॉक्टर अम्बेडकर का नाम देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आठवले इस आंदोलन को दबाना चाहते हैं।